नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, अभी अभी इंदौर से उदयपुर जाने वाली ट्रेनों के साथ एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस हादसा के दौरान ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतर जाती है। उसके बाद जो हुआ वो बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दोस्तों, क्या है पूरी घटना जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इंदौर से उदयपुर जाने वाली वीरभूमि एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ ये हादसा हुआ है। आपको बता दें, रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इंदौर से उदयपुर जाने वाली वीरभूमि एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी, जहां ट्रेन का रन राउंड यानी इंजन बदला जा रहा था। इस दौरान ट्रेन का आखिरी कोच पटरी से उतर गया, जिसके बाद ये बड़ा रेल हादसा हो जाता है। इस हादसे में ट्रेन का पिछला डिब्बा यानी लगेज कोच और एक अन्य कोच पटरी से उतर जाता है। यह पूरा घटनाक्रम देर रात 10 बजे के आसपास की है, जब इंदौर से उदयपुर जाने वाली वीरभूमि एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर जाती है। रेलवे प्रबंधन ने चुस्ती फुर्ती दिखाकर तुरंत डिब्बों की मरम्मत का कार्य शुरू कर देता है, जिसके बाद तकरीबन डेढ़ घंटे के अंतराल में ट्रेन को एक बार फिर रवाना कर दिया जाता है। वहीं इस हादसे की सूचना जैसे ही आरपीएफ और रेलवे को लगी, वैसे ही रेलवे के तमाम अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद ट्रेनों के डिब्बे को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे के दौरान किसी भी यात्री की जान नहीं जाती है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल जाता है। आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।